हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और मैं अभी आज है हमारी सिस्टर इन लॉ का एंगेजमेंट, यानी कि कल है। अभी ये रात हो रही है और यहाँ पे मेरी सिस्टर इन लॉ अपना नेल सेट कर रही थी। जो 100 रुपीज़ वाला नेल्स आता है वो हम लोग लगाए थे। फिर मैंने इसमें स्टोन्स देखे तो मैंने इनके नेल्स पे काफ़ी सुंदर सुंदर स्टोन्स चिपकाए थे। फिर यहाँ पे थोड़ी सी हो रही थी मस्ती, तो ये लोग डांस कर रहा था। मैंने छोटा सा क्लिप यहाँ पे वीडियो का ले लिया, जो कि आप देख ले रहे हो, काफ़ी फनी लग रहा था। और इन्हीं का शादी है जो डांस कर रही हैं। फिर हमने ये इस तरीके से नेल आर्ट किया था, इस तरीके से स्टोन चिपकाए थे इनके हाथों पे। ये देख सकते हो आप, काफ़ी प्यारे लग रहे थे। और ये मेहंदी भी मैंने ही लगाई है। तो आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद से हो गया था सुबह, रात भर हम लोग सोए नहीं थे। एंड सुबह में जल्दी जल्दी हम लोग रेडी होके, क्योंकि हमको 11 बजे तक पहुँचना था बैंक्वेट में, तो यहाँ पे मैंने मेकअप इस तरीके से कुछ किया था। एंड ये कलर करेक्टर से पहले अपने डार्क सर्कल को हाइड किया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे फाउंडेशन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है। अगर आप बेगिनर्स हो, मेकअप अच्छे से नहीं आता है, मेकअप केकी पड़ जाता है, ब्लैक पड़ जाता है, तो आप डायरेक्ट कंसीलर की मदद से अपना फेस का मेकअप कर सकते हो और वो ब्लैक भी नहीं पड़ता है और लॉन्ग लास्टिंग रहता है बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से मैंने मॉइस्चराइजर की जगह पर नारियल का तेल यूज़ किया था, वर्जिन कोकोनट ऑयल। देन ये है लिक्विड कंसीलर, तो इस तरीके से है। इसके अंदर एक साइड में लिक्विड है, एक साइड में मैट है। तो मैंने लिक्विड वाला यूज़ किया था, शेड नंबर 1 है। आप अपने स्किन के शेड के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। और मैंने यहाँ पे ब्लेंडिंग के लिए, क्योंकि शादी ब्याह के घर में आपको पता ही कोई चीज़ नहीं मिलती है, तो मैंने यहाँ पर फटाफट से अपना फेस का मेकअप किया था। इस तरीके से हाथों से ही ब्लेंड कर रही थी, तो यहाँ पर अच्छे से ब्लेंड हो गया था। एंड फाइनल लुक जो था वो भी दिखाऊँगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा आपको वीडियो में एंड बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये है ब्लश, तो लिक्विड ब्लश मैंने यहाँ पे यूज़ किया था। ये है पिंक कलर, लाइट पिंक कलर का ब्लश था। मैंने भर भर के ब्लश लगाया था, क्योंकि मुझे ब्लश बहुत पसंद है और मैं बहुत अच्छा लगता है मुझे ब्लश लगाना, तो मैंने इस तरीके से ब्लश लगाया था। ब्लश लगाने के बाद से आपका जो मेकअप होता है वो थोड़ा सा नेचुरल दिखने लगता है और बहुत अच्छा लुक आ जाता है आपके मेकअप का। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने लगाया और बहुत पिंक मेरा फेस हो चुका था। बट कोई बात नहीं, अभी ये सेट हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर अपना बेस भी सेट नहीं किया है पाउडर से। तो यहाँ पे ब्लश मैंने लगा लिया है एंड सॉरी, सर्दियों का टाइम चल रहा है एंड बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी हुई, क्योंकि हमने फैशन के चक्कर में स्वेटर जैकेट सब निकाल के बम्पर डांस वांस किया था, जिसकी वजह से थोड़ी सी तो सर्दी खांसी बुखार सबको हो गई थी घर में। तो यहाँ पे मैं कुछ ढूंढ रही थी, देन क्या ढूंढ रही थी, क्योंकि वीडियो में बाद में एडिट कर रही हूँ तो मुझे भी नहीं पता मैं क्या ढूंढ रही थी। मैं यहाँ पे मेकअप ब्रश ढूंढ रही थी अपना, इसमें से मैंने निकाला था ये हाईलाइटर ब्रश। और ये है मेरा सिस ब्यूटी का हाईलाइटर, बहुत लॉन्ग टाइम से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने नोज पे अपने यूज किया है इसको और यहाँ पे हाईलाइट किया है आइज़ के नीचे। अगर आपने डार्क सर्कल हाइड नहीं भी किया है और थोड़ा सा हाईलाइटर यूज़ कर लेते हो तो आपका डार्क सर्कल जो है वो हाइड हो जाता है। एंड दिन का मेकअप है तो हाईलाइटर आप लिक्विड यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो आपके स्किन के लगते हैं अंदर से आप शाइन कर रहे हो। तो आप स्टॉक क्रीम भी यूज़ कर सकते हो, स्टॉक क्रीम का वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, उसको लगा के आप डायरेक्ट मेकअप करते हो तो डे पार्टी मेकअप के लिए बेस्ट रहेगा। तो आई मेकअप मैंने यहाँ पे नहीं किया था, हाईलाइटर से ही मैंने अपना आई मेकअप इस तरीके से कर लिया था। बाकी मैं आई मेकअप करना भूल गई थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया था आईलाइनर एंड मस्कारा। मस्कारा लगाए बिना तो आपके आई का लुक अच्छे से आता ही नहीं है, तो मस्कारा ज़रूर लगाएगा जब भी आप मेकअप कर रहे हो। तो यहाँ पर मैं बीच बीच में बातें भी कर ले रही थी एंड कुछ काम था तो वो मैंने बात कर लिया था। उसके बाद से मैं यहाँ पे यूज किया मैंने लैक्मे 9 to 5 का कॉम्पैक्ट पाउडर और इससे अपने पूरे बेस को सेट किया था। तो इस तरीके से पूरे बेस को सेट कर लिया था मैंने। और मैं अभी जो वीडियो एडिट कर रही हूँ वो मैं पार्क में कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा रिलैक्स मिला था और आज हो गई है धूप, तो मैं पार्क में आ गई थी। मैंने सोचा वीडियो भी एडिट कर लूँ, क्योंकि दो तीन दिन पे वीडियो ज़्यादा है, प्लीज़ सॉरी गाइज। और मैं लाइव भी नहीं आ पा रही, क्योंकि शादियों का सीजन, मेरी सगी सिस्टर इन लॉ का शादी है तो नहीं हो पा रहा है और बहुत ज़्यादा गेस्ट हैं घर में। लेकिन जैसे भी मुझे मौका मिलता है मैं ज़रूर वीडियो अपलोड करते रहती हूँ। तो मैंने पूरा बेस को सेट कर लिया था। और यहाँ पे जब भी अगर आपने फाउंडेशन यूज करना है तो आप उसको मेकअप फिक्सर के साथ यूज कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन मैंने यहाँ पर फाउंडेशन यूज़ नहीं किया। फाउंडेशन कैसे लगाना चाहिए, क्या रिजल्ट आता है, उसका पूरा डिटेल वीडियो चैनल पर अपलोड है, तो जाके देख लीजिएगा। इसके बाद मैंने अप्लाई किया था मस्कारा। तो यहाँ पे मैंने मस्कारा यूज कर लिया। तो लो वाटर लाइन पे भी मैंने इस लो वाटर
आई लेस पे मैंने इस तरीके से मस्कारा यूज़ किया। मस्कारा लगाने के बाद से मैं लगाऊंगी यहाँ पे लाइनर। ये है लाइनर स्विस ब्यूटी का और 100% वाटरप्रूफ है, बिल्कुल नहीं फैलता है, बहुत लॉन्ग टाइम तक रहता है, बहुत अच्छा लाइनर है। मैंने इसको बहुत बार चेक किया है और मेरा तो अभी फेवरेट हो गया, क्योंकि पहले लैक्मे 925 का यूज़ करती थी, बट लैक्मे 925 का जो पाउडर था, सॉरी आई लाइनर था, वो क्या होता था कि बहुत कम आता था उसके अंदर, एक दो यूज में ही लगता था कि सूख गया है, बट ये वाला ऐसा नहीं है, अच्छा है। उसके बाद मैंने आईब्रो पेंसिल से अपने आईब्रो को सेट किया है एंड इसको ब्लेंड किया है। इसी में गेस्ट भी आ रहे थे, बीच बीच में अपना अपना काम कर रहे थे, तो इस तरीके से मैंने लगा लिया था। मैं रेडी होकर अपने बच्चों को रेडी किया, फिर घर में जितने भी लोग थे सभी थोड़ा कभी कुछ लगा दो कभी कुछ लगा दो आते जा रहे थे, इसलिए मैंने पहले अपना मेकअप कंप्लीट कर लिया था ताकि बाद में लोगों का भी कर सकूं। और जितने भी लोग आए थे सबने मैं उससे मेकअप करवाया था। तो इस तरीके से मैं अपने आईब्रो को सेट ब्लेंड कर रही थी। आईब्रो पेंसिल को कैसे लगाना चाहिए पूरा डिटेल वीडियो है चैनल पे, तो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा जाके। तो ये देखिए, बाद में मैं इसको थोड़ा सा लाइट करूँगी अपने आईब्रो का। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा गिरा हुआ था इसको मैं इस तरीके से कॉटन से रिमूव कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं है। और कभी भी आपका लाइनर या मस्कारा आपके फेस पे लग जाए तो तुरंत के तुरंत साफ़ नहीं करना है, आपको वेट करना है उसके ड्राई होने तक का। जब वो ड्राई हो जाए तो आप इजीली उसको रिमूव कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैंने रिमूव कर लिया है। इसके बाद मेकअप फिक्सर से मैं पूरे मेकअप को फिक्स कर लूँगी। ये है हुडा ब्यूटी का मेकअप फिक्सर। इसके बाद 2 मिनट छोड़ेंगे सूख जाए अच्छे से। सूखने के बाद मैंने इसको अपने बेटे के टी शर्ट से, कॉटन टी शर्ट से इस तरीके से सेट कर लिया था। ये चाची थी हमारी, कुछ बोल रही थी तो हमने बोला हाँ, कुछ अब याद नहीं मुझे क्या बोला था एग्जैक्ट इन्होंने। तो चलो टी शर्ट को हटा देते हैं एंड अब ये हमें क्या करना है। तो ये लाइनर मेरा फेवरेट हो गया है, अब मैं लिप आउटलाइन करूँगी और लिपस्टिक लगाऊंगी। लिपस्टिक लगाने के बाद से मैंने कौन सा ज्वेलरी पहना था वो भी दिखाऊंगी आपको अभी। तो ये मैंने रेड कलर का लिपस्टिक लगाया था, बाद में मैंने इसको न्यूड पिंक कलर लगा लिया था इसके ऊपर ही, क्योंकि जो मेरा ड्रेस था वो बहुत हैवी था, उसके साथ हैवी लिपस्टिक नहीं जा रहा था, तो मैंने बाद में न्यूड लगा लिया था। तो वैसे रेड भी अच्छी लग रही है, अगर आप कोई लाइट ड्रेस पहन रहे हो तो रेड कलर की लिपस्टिक बेस्ट रहेगी आपके लिए। तो ये लिपस्टिक तो मैंने लगा ली है और यहाँ पे बातचीत भी चल रही थी साथ साथ में। तो ये देखिए मेकअप मेरा पूरा अच्छे से हो गया है एंड ये पूरा शाम तक टिका था, रात तक टिका था, और उसके बाद मुझे कहीं कहीं एक्स्ट्रा लग रहा था तो मैंने इस तरीके से इसको साफ़ किया था कि ज़्यादा ना लगे, ओवर ना लगे कहीं भी। हाइलाइटर मुझे थोड़ा सा आइज के नीचे ज़्यादा लग रहा था, फिर मैं उसको इस तरीके से कपड़े से साफ़ किया था मैंने। और उसके बाद मैंने क्या किया था, उसके बाद मैंने थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर लेके और फिर से दोबारा से मेकअप को सेट किया था। उससे क्या होता है कि जैसे आपका मेकअप पेपर करने के बाद से फ्रेश नहीं दिखता है, ब्लैक लगता है, डल दिखता है, तो आप इस तरीके से कॉम्पैक्ट पाउडर यूज कर लेते हो तो वो काफ़ी अच्छा लुक देने लगता है। कितना साफ करोगे यार, रख तो। चलो क्या ढूंढ रही हूँ, मुझे कुछ खुद से नहीं पता कि मैं क्या ढूंढ रही थी। तो कॉम्पैक्ट पाउडर लेके मैंने फिर से दोबारा से पूरे फेस पे इस तरीके से अप्लाई किया था और ये मेकअप मेरा पूरा रात तक चला था, तो आप भी इस तरीके से कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे मैंने पहनी थी ये वाली चूड़ियाँ, तो ये चूड़ी निकालना भूल गई थी, बाद में मैंने निकाल दिया था। एंड ये वाली इयररिंग्स पहनी थी मैंने एंड जो मेरा फाइनल लुक था वो था कुछ इस तरीके का। तो कैसी लग रही हूँ मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये लहंगा मैंने दुकान से लिया था, ये हमारे पति श्री, तो इस तरीके से मैं रेडी हुई थी। ये हमारे घर पे आए हुए थे दीदी एंड जीजा, गेस्ट लोग बहुत सारे थे, तो ये मेरी बेटी है, सबके साथ मैंने फ़ोटो क्लिक किया था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। फिर मैंने खूब सारी फ़ोटो क्लिक की थी घर पर ही।
तो इस तरीके से फ़ोटो क्लिक हुई थी बहुत सारी। और ये हैं दूल्हे राजा, जिनके साथ मेरी सिस्टर इन लोग का मेकअप हो रहा है, सॉरी मेकअप करते करते हर जगह मेकअप मेकअप निकलता है, इंगेजमेंट हुआ था एंड बहुत अच्छे हैं ये। और ये हमारे देवर जी हैं और ये हूँ मैं, हमारे बेटा जी। और यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग कर रहे थे मस्ती। और ये हमारी छोटी सिस्टर इन लॉ हैं और ये है हमारी छोटी सिस्टर इन लॉ, मैं एंड मेरी देवरानी। ये हमारे चाचा जी हैं, चाचा ससुर। और ये मेरा बेटा, आज तो सिर्फ मेरा ही राज है। और ये हमारे जिन देवरानी का फ़ोटो था हमारे साथ, उनके हस्बैंड। और यहाँ पे हम लोगों ने कपल्स ने फ़ोटो खिंचवाई थी दो तीन। और ये हैं ब्राइड, तो बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत खूबसूरत मेकअप हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग मस्ती कर रहे थे क्योंकि अभी लड़के वाली पार्टी नहीं आई हुई थी। हम लोग अपना ईयरिंग्स वगैरह दिखा रहे थे और अभी सभी गेस्ट आ गए थे और हम लोग यहाँ पे वीडियो ले रहे थे, शॉर्ट्स एंड सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। सेकंड चैनल पे सिलाई से रिलेटेड ऑल वीडियोज आपको मिल जाएंगी, तो सेकंड चैनल पे ज़रूर जाइएगा और वहाँ पे मेरी सिलाई से रिलेटेड वीडियो देखिएगा। यहाँ पे इन लोगों का इंगेजमेंट हो रहा था, तो इस तरीके से दूल्हे राजा ने इनको ऊपर उठाया था एंड इनका लहंगा बहुत हैवी था, तो उन्होंने इनको हेल्प भी किया लहंगा ऊपर लेके जाने में। तो बहुत मज़ा आया, फिर हम लोगों ने किया यहाँ पे डांस और काफ़ी देर तक डांस वांस हुआ। फिर हम लोग शाम को 6 बजे तक घर गए थे और काफ़ी थक गए थे। उसके बाद से सब लोगों ने फैशन के चक्कर में स्वेटर वगैरह नहीं पहना था, जिसकी वजह से सबका तबीयत ख़राब हो गया था। और बहुत दोनों की जोड़ी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ब्राइट तो मतलब अलग ही है, उसके बाद मैं अच्छी लग रही थी कि नहीं लग रही थी। बहुत प्यारी लग रही थी, बस भगवान खुश रखे इन लोगों को और कुछ नहीं चाहिए। और यहाँ पे डांस वांस हो रहा था। थोड़ी सी वीडियो फास्ट कर दी थी क्योंकि बहुत लंबी हो रही थी इसलिए, और म्यूट कर दिया साउंड क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो बनाने का। फिर हम लोगों ने भी यहाँ पे डांस किया था बहुत ज़्यादा और सब लोग बहुत थक चुके थे। फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया और घर चले गए। एक ही वीडियोज़ कई बार आ गई हैं और यहाँ पे हम लोग डांस कर रहे थे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। इंस्टा आई डी प्रीत तिवारी 24 है, तो वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मेरी रील्स वीडियो देखने के लिए, शॉर्ट्स देखने के लिए एंड सेकंड चैनल पे सिलाई से रिलेटेड ऑल वीडियोज आपको मिल जाते हैं, तो वहाँ पे भी जाकर जरूर फॉलो कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पे आप इजीली मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे एंड सेकंड चैनल पे जा सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, आप लोग के सपोर्ट की और प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।